एक ऐसी घटना, काफ़ी शौक है हम सभी लोग शराब, क्या कहना चाहते हमसे ज़्यादा किसको सदमा पहुँचेगा। हमारी तो TMT थी और अलखान हमारे टीम का हिस्सा थे और साथ में उठना बैठना खाना पीना, मतलब महीने में 20-22 दिन एक साथ रहना, मतलब इतना घर वालों के साथ खाना नहीं खाया पिछले 6-7 सालों में जितना हमने साथ में खाना खाया। बेहतरीन शख्सियत थी, यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए। और दीपेश भाई ने धोखा दिया हमें, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। सर कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी डाला था सोशल मीडिया पे, आपकी कब लास्ट टाइम बातचीत हुई उनसे? कल ही शूट था हमारा, आज 1 बजे का कॉल टाइम था, हमें आज 1 बजे मिलने वाले थे। कल शूट पहला सीन था हम सबका, कल भी रील वील बनाई थी, मस्ती करी थी और बहुत अच्छे अच्छे सीन होते थे। आज के टाइम में नंबर 1 शो है और TMT को लोग बहुत पसंद करते थे, हमारी जोड़ी को। बस यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी वो हमारे बीच से चले गए, कैसे यकीन करूं, मेरा अभी तक यकीन नहीं हो रहा। सुबह से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, जैसे ही पता चला पहले भक्ति विधान गए, फिर हम उनकी सोसाइटी में आए, फैमिली का वेट कर रहे हैं, उनकी दिल्ली से फैमिली आने वाली है। बस सब्र दे उनके परिवार वालों को, बच्चे को देखकर दिल रोना आ गया कि 18 महीने का बच्चा है, निया भाभी हैं, कैसे संभालेंगे, क्या होगा। इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद आज उन्होंने ये पोजीशन बनाई थी और अब ज़रा देखने का वक्त था, हरियाली देखने का, खुशियाँ देखने का, वो चले गए। कुछ बताना चाहूँ क्या कुछ हुआ अर्ली मॉर्निंग? जैसा फ़ोन आया और वो जो साथ में सोसाइटी में खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि एक ओवर किया, उसके बाद कैप उठाने के लिए बड़े ज़मीन से खड़े हुए तो बॉडी कोलैप्स कर गई, गिर गए ज़मीन पर, और फिर भक्ति विधान लेकर भागे सब, और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा ही इज़ नो मोर, मतलब 4-5 मिनट में चटपट हो गया सब। अजीब जिंदगानी है, बस एक बबूला का पानी है, वो कहते हैं एक गुब्बारा है, जिंदगी अजीब है, क्या बोलूँ मैं भाई, दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को सब्र दे।